रास्ते सारे ब्लॉक थे, बहुत चला, पहले चिंची में बैठे फिर आगे पैदल चल के आए। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जज्बा है अब इस वक्त जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं उसमें अब कोई रुकावट उनको रोक नहीं सकती। हाँ साहब, अगर आपको देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? आई लव यू। आप क्या कहेंगे? खान साहब अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि आपके बाद हमें हमारा ऐसा कोई लीडर नहीं मिलेगा। कौम को जो अपना सेंस दिया है और जो होश में आई है कौम, अब देयर इज नो टर्निंग बैक, अब आगे ही है रास्ता, पीछे का कोई रास्ता नहीं है। न्यूज़ टुडे की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, हम ग्रेटर इकबाल पार्क में मौजूद हैं, जहां पे खान साहब का जलसा है और खान साहब के आने का इंतजार हो रहा है। यहाँ पे खवातीन की तादाद भी मौजूद है, खवातीन से बात करती हैं कि वो क्या कहती हैं अपने लीडर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं? इकबाल टाउन से। तो क्या रास्ते ब्लॉक थे, इजीली आ गई हैं? क्या मुश्किलात हुई हैं, आसानी से आ गई हैं, कैसे आई हैं? सारे रास्ते ब्लॉक थे, लेकिन खान साहब ने बुलाया था तो आना था, इसलिए आ गए। तो रास्ते जब ब्लॉक थे तो क्या लगता था कि आप पहुंच पाएंगी कि नहीं? रास्ते ब्लॉक हो, जो मर्जी हो, पहुंचना था और पहुंच गए। कैसे फिर आई हैं? हम गाड़ी में आए हैं पिछली साइड से, फिर हमने यू टर्न ले लिया, वहाँ से फिर हम आ गए थे। तो खान साहब के लिए आप आई हैं, कंटेनर से रास्ते ब्लॉक थे, क्या सोच के आई हैं, इतना सफर किया? मैं घर से लड़के आई हूँ बाबा के साथ में कि हमने जाना है, हमें जाना है, तो बहुत मुश्किल से मना के ना एंड टाइम तक। तो अभी बाबा नॉन लेके? नहीं नहीं, बाबा पीटीआई के, लेकिन वो कहते हैं कि ना जाया करो, इतना रश तो होता है और खतरा भी बहुत था। अगर आप ना आती तो कैसे फिर लोग आते, बाकी लोग कैसे आते? उन्होंने तो आना ही था। सबके बाबा कहते हैं कि ना जाओ, इसलिए तो मैं आ गई हूँ। आ गई है बाबा ना? आप दोनों बहने हैं? और चाहिए आपकी वालदा है? माशाल्लाह, आप तीनों को बाबा ने इजाजत दे दी है। अल्लाह, अच्छा आप क्या सोच के आई? जलसों में जाने से नहीं, इमरान खान को देखने आई थी। तो यहाँ पे तो खबर भी चल रही थी कि हालात ठीक नहीं है और थ्रेट है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या सोच के आई है कि कुछ भी हो सकता है? तैयार होते तो जब खान साहब को गोली लगी, खान साहब को जख्मी कर दिया, तो क्या जज्बात थे आपके? रोई थी मैं। रोई थी? क्यों रोई थी? बस बहुत पसंद है वो। खान साहब अगर आपको देख रहे हैं तो क्या कहेंगे? आई लव यू। आप क्या कहेंगे? खान साहब अपना बहुत बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि आपके बाद हमें हमारा ऐसा कोई लीडर नहीं मिलेगा। बस जी, इनकी वालदा साहब से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप आई हैं, आपकी बेटियां आई हैं, क्या खान साहब के हवाले से जज्बात हैं, इतना सफर करके आई हैं? बस उनसे प्यार है, उनके जहाँ वो बुलाएंगे हम जाएंगे, जहाँ पे भी जैसे भी बुलाएंगे हम जाएंगे। तो आपको क्या लगता है खान साहब इस कौम के लिए बेस्ट लीडर है? बिल्कुल। और नवाज शरीफ? उसको तो छोड़ ही दे आप। मरियम साहबा? उसे भी बिल्कुल ही छोड़ दे। क्यों? वो तो कहती है हमें बड़ा दर्द है आवाम का। वो इंसान है, आज उसने आटा दे दिया कौम को सिर्फ इस वजह से कि लोग इधर ना आए, लेकिन जिन्होंने आना है उन्होंने आना ही है। कंटेनर देख के क्या लगता था? कुछ भी नहीं लगता था, हमें पता था हम पहुंच जाएंगे। आपको लगता है कि रुकावटें क्यों की गई हैं, किस वजह से? वो सिर्फ इसी वजह से कि आवाम इकट्ठी ना हो सके और खान साहब का जलसा नाकाम बना दिया जाए। हां जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है खान साहब का जलसा नाकाम हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, इंशाल्लाह कामयाब होगा और पहले से ज्यादा कामयाब होगा। चले जी, इनके जज्बात आपने जाने, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कहाँ से आई हैं? लाहौर से आए हैं। लाहौर से आए हैं, क्या जज्बात लेके आई हैं, क्या सोच के आई हैं, इतना सफर किया, रास्ते ब्लॉक थे? हाँ, रास्ते सारे ब्लॉक थे, बहुत चला, पहले चिंची में बैठे फिर आगे पैदल चल के आए। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जज्बा है अब इस वक्त जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं उसमें अब कोई रुकावट उनको रोक नहीं सकती। जब रास्ते ब्लॉक थे, पैदल चलना था, तो दिल में नहीं आया वापस चले जाए? दिल में अगर आना होता तो हम घर से क्यों निकलते? लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम किसी भी तरह की तब्दीली लाना चाहते हैं तो हर इंडिविजुअल को जो इस कॉज पे बिलीव करता है उसको घर से निकलना चाहिए। खान साहब की कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है? सच्चा बंदा है और जब वो बात करता है तो पता चलता है कि सच्ची बात है। और जो इल्जामात हैं कि ये चोरी हो गया, वो चोरी हो गया, वो बहुत हमें मैटर नहीं करता, बहुत माइनर चीज है और सारे इल्जामात लगाए गए हैं। मरियम नवाज साहबा का कहना है कि 5 मिनट में वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे, तो खान साहब को गिरफ्तार करना इतना आसान है? वो 5 मिनट कभी भी नहीं आएंगे, वो नहीं, इतना आसान नहीं है। अगर, हम सब हैं आगे खड़े। अगर खान साहब को वो गिरफ्तार कर लेते हैं तो क्या करेंगे आप? हमने अगर का सोचा नहीं, इंशाल्लाह ऐसा होगा ही नहीं। अगर अगर खुदा ना खासा ऐसा हुआ तो हम सड़कों पे आएंगे और इसके खिलाफ बहुत ज्यादा एहतजाज करेंगे। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब इस कौम की तकदीर बदलने में कामयाब हो जाएंगे?
मेरा ख्याल है कि इस कौम की तकदीर बदल चुकी है, क्योंकि जितने अरसे से इमरान खान साहब लगे हुए हैं तो कौम को जो अपना सेंस दिया है और जो होश में आई है कौम, अब देयर इज नो टर्निंग बैक, अब आगे ही है रास्ता, पीछे का कोई रास्ता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सहाफियों की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं और मेरे जो कारकुन है वो मुझे कम नजर आए हैं, आम आवाम जो है वो मुझे बचाने के लिए ज्यादा नजर आए हैं। क्या कारकुन तादाद कम हो गई है या कम थे? मेरा ख्याल है कि हर बंदा, कौम का हर बंदा जो पीटीआई का है और जो इमरान खान के साथ है वो उसका कारकुन है, तो मेरा नहीं ख्याल के कम हुए हैं, कम नहीं बल्कि ज्यादा होते जा रहे हैं। खान साहब के लिए कुछ कहेंगे? खान साहब जिंदाबाद, हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।